जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन पल पल सपने हो सके ना तुम रुठ गए सारे सपने सपने हो सके ना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ढूंढ लो सुबह गांव के निरक्षर लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करने में जीवन भर अथक परिश्रम करते रहे स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक श्री निवारण मुखर्जी। उनका आदर्श और उनका त्याग गांव वालों के लिए प्रेरणादायक है। आज भी वो नजर आते हैं गांव के विभिन्न साक्षरता केंद्रों में। उनकी मौजूदगी निरक्षर गांव वालों का हौसला बढ़ाती है। उनका आदर्श गांव वालों को एक नई दिशा की ओर ले जाती है और उन्हें हासिल होती है एक नई सुबह। प्रभा, ये गिरने से चश्मे का शीशा फिर से फूट गया, देखो ना। हे भगवान, ये क्या किया? अच्छा तुम कैसे आदमी हो, ऐसी तबीयत लेकर इस भरी दोपहर में अकेले निकले थे? वैद्य जी मना कर गए थे ना, लो सिर्फ चश्मा ही टूटा है। अच्छा कहो तो, इंसान पर तो और कितनी बड़ी विपत्ति आ सकती है? सारा दिन घर में रहते हुए अच्छा लगता है, बोलो समझती हूँ अच्छा नहीं लगता, पर मानना तो पड़ेगा ही। जब शरीर स्वस्थ था तो काफी घूमना फिरना हुआ है, अब समझना पड़ेगा पहले जैसी सेहत तुम्हारी नहीं रही। ए जी, तुम्हें अगर कुछ हो गया तब मेरा क्या होगा कहो तो, बेटी भी यहाँ नहीं है। क्या करूँ, चश्मे टूटने से तुम एकदम अपाहिज हो गया। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो बोलो तो? तुम्हारा कोई ना कोई छात्र तो हर हफ्ते शहर जाता ही है, उनमें से किसी को भी दे देना। लो चाय वाय पी के अब थोड़ा आराम कर लो। इन दिनों आजकल अकेले आराम भी नहीं कर पाता हूँ, कैसा अजीब सा लगता है, ढेर सारे ख्याल दिमाग में तैरते रहते हैं। बिटिया कलकत्ते में अकेली रहती है, कैसी है, क्या कर रही है, इतना बड़ा शहर कलकत्ता, कहीं कोई भूल न कर बैठे। अच्छा तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो कहो तो? ए जी, वो तो हमारी ही बेटी है ना। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा सर झुक जाए, ये भरोसा मुझे है। नहीं नहीं, वो विश्वास मुझे भी है। दरअसल नौकरी पाने के बाद बस एक ही बार आई थी, उसके बाद इतने दिन। अच्छा बूढ़े माँ बाप की क्या कभी याद भी नहीं आती? लो देखो फिर मायूस हो गए। अरे बाबा, यही तो उस दिन वो यादव जी का भतीजा कलकत्ते से लौटा ना, आकर बोला बसंती जी ऐसी, बसंती दी वैसी, कितने बड़े ऑफिस में काम करती हैं। क्यों जी, भूल गए क्या? हाँ बेटी ने जो हमारे लिए मिठाई भेजी वो सबसे पहले तो तुम ही ने खा ली। और ज्यादा तो मैं ही खा गया था। बेटी हमारी बहुत नाम करेगी समझी, ये विश्वास है मुझे। दरअसल
किसकी छात्रा किसकी बेटी ये भी तो देखो। निवारण मुखर्जी की बेटी। निवारण घर में हो क्या? सुधा में बाबू की आवाज लगती है। ओ हाँ हाँ। अरे सुधा में आओ 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 आओ, 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 आओ। और कैसे हो भाई? मैं तो ठीक ही हूँ, तुम मगर कैसे हो बोलो? अपना क्या है, बस नरम गरम चल ही रहा है। अरे प्रणाम करो। कौन है ये? तुम कौन हो बेटे? पहचान नहीं पाए ना, ना? अरे मेरा नाती शंकर। हा? अरे तुम्हारा पुराना छात्र था। हा? हा? वही शंकर। अरे शंकर इतना बड़ा हो गया। देखो ना सुधा में, ये मेरे चश्मे का शीशा टूटने से ना मैं बड़ा असहाय हो गया हूँ। खैर सुनो भाई, ईश्वर की कृपा से और तुम्हारे आशीर्वाद से शंकर जिला भर में वजीफा पाया है। अच्छा? पूरे जिले में सेकंड आया है। ऐसा क्या? मैं बहुत खुश हुआ बेटे, बहुत खुश हुआ। तो आगे क्या करोगे सोचा? कलकत्ते में डॉक्टरी पढ़ने का मौका मिला है। हा? देखो भाई, उसके माँ बाप की इच्छा थी कि उसे विदेश भेजे। हा? पर असल में शंकर तुम्हारा ही छात्र है ना, गुरु की शिक्षा भूला नहीं, बिल्कुल अड़ गया है। बोला हाँ डॉक्टर बनूंगा लेकिन गांव के लोगों का इलाज करूंगा। क्या कह रहे हो, आज के जमाने में भी ऐसे लड़के हैं? देवर जी है? ये लीजिए, आपके लिए पान लाई हूँ। अरे बाबा देख रहा हूँ ये पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। खैर कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ, आप अच्छे हैं? तो बस निकल रहा है। ओ प्रभा, पहचाना इसे? नहीं तो। अरे शंकर मेरा छात्र, मेरा नाती है। उसने अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, जिले भर में दूसरा स्थान पाकर वजीफा पाया है। अरे वाह। कलकत्ते में डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है बेटा। और बताओ क्या जी? वो डॉक्टरी पास करके विलायत अमेरिका कहीं नहीं जा रहा, उसने तय किया है गांव आकर गांव वालों का इलाज करेगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, इस गांव का नाम रोशन करो। प्रणाम करो। अरे नहीं, इनके आशीर्वाद की तुम्हें बहुत जरूरत है। अरे इतनी अच्छी एक खबर मिली, उसे मिठाई नहीं खिलाओगी? ए माँ भूली गई, आओ आओ। जानते हो निवारण, शंकर को तुम्हारा छात्र होने का सौभाग्य हासिल हुआ, इसीलिए जीवन में इतना बड़ा एक अवसर मिला है। अरे ना ना, मैं तो निमित्त भर हूँ। छात्रों में लगन और उत्साह न हो तो कोई भी शिक्षक उन्हें सही रास्ता नहीं बता सकता। ना ना, ये मैं नहीं मान सकता निवारण। हाँ, देखो तुम्हारे आदर्शों पर चलने वाले छात्र छात्राओं की तो कोई कमी नहीं है इस गांव में। हाँ, तुमने गांव के लिए जो कुछ किया है वो हम पुराने ग्रामवासी कभी नहीं भुला सकते निवारण। तुम कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो। देखो मैंने जो भी किया है इस गाँव का होने के नाते अपने दायित्व का पालन ही किया है, ये तो मेरे कर्तव्य है। ट्रिपल एम ए PhD निवारण मुखर्जी, तब कलकत्ता के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाने का अवसर छोड़कर इस छोटे से गांव में पढ़े नहीं रहते? अरे आज तो गांव में हाई स्कूल खुला है, कितने ही प्राइमरी स्कूल, लेकिन एक समय था तब तो कोई गांव में शिक्षा का नाम ही निशान नहीं था। तुम अगर दिया न जलाते तो ये ग्राम आज भी अशिक्षा के अंधकार में डूबा रहता। तब हम लोगों में जोश भर गया था सुधा मैं। हाँ, देश तब स्वाधीन हुआ ही था, लाल किले के प्राचीर पर अपना तिरंगा लहरा रहा था, और हम अंग्रेजों की जेल से लौटे हुए युवकों का दल, आंखों में कितने सपने, हृदय में कितनी आशा, देश के लिए कुछ करना होगा, देश को कुछ देना होगा। लेकिन आज इस उम्र के मोड़ पर लगता है हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कितना काम बाकी है। आज के नौजवान ये सब कर पाएंगे, हमारे सपने को साकार करना, या फिर हमारे सपने क्या सपने ही रह जाएंगे? तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा आ गया है, सही ही है, पर वो पुराना जोश क्या सचमुच खत्म हो गया है निवारण? ना ना ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो ऐसा स्वास्थ्य लेकर तुम गांव-गांव में घूमकर साक्षरता का प्रचार नहीं करते? साक्षरता केंद्रों पर जाकर
नए साक्षरों को इस तरह से उत्साहित नहीं करते। हाँ मैं तो घर में चुपचाप बैठ नहीं सकता ना। वैसे आजकल बीच बीच में बहुत निराश होता हूँ। क्यों निराश क्यों? ऐसा लगता है कि हमारे बाद कौन इस गांव को संभालेगा। तुमसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। बसंती मेरी बेटी, बहुत उम्मीदों से उसे पढ़ाया लिखाया था। हर बाप के कुछ अरमान होते हैं, उसकी संतान पिता के आदर्शों का पालन करेगी। लेकिन पास होने के बाद जब उसने आकर कहा कि कलकत्ते के किसी प्राइवेट फर्म में उसे मोटी तनख्वाह की एक नौकरी मिली है, मैंने ऊपर से जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर अंदर मेरा कलेजा निराशा से भर उठा। क्यों मेरी बेटी अपने बाप जैसी कहाँ बनी? त्याग कहाँ है? आदर्श कहाँ है? गांव के लोगों के साथ खड़े होने की भावना कहाँ है? ना ना ना, ऐसी उच्च शिक्षा मैंने नहीं चाही थी जो कि आम आदमी से अलग करे, संपर्क रहित। ना ना, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता भाई, हरगिज नहीं। तुम बेकार उत्तेजित हो रहे हो। देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसी ही तो होगी। खून का रिश्ता है ना, होना ही पड़ेगा। हाँ सिर्फ थोड़ा समय लगेगा। तुम सच कह रहे हो सुधा मैं? अच्छा, तुमने तो बसंती को बचपन से ही देखा है। तुम्हें कि एक बार भी ऐसा लगता है कि वो बाप के आदर्शों से पीछे हट जाएगी? वो कर सकेगी बाप के आदर्शों की उपेक्षा? ना निवारण, ना, वो जरूर वापस आएगी। तुम देख लेना, इस गांव में उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा कभी भी किसी को भी गुमराह नहीं कर सकती। उसी भरोसे पर तो जी रहा हूं भाई। जानते हो सुधा मैं, ये शंकर जैसे छात्रों को जब देखता हूं ना, तब अपने आप पर विश्वास बढ़ जाता है। तब लगता है बसंती फिर से लौट कर वापस आएगी ही, लौटना ही होगा उसे। फिर आऊंगा लौट कर धान सीढ़ी के तट पर इस बंगाल में। फिर आऊंगा लौट कर धान सीढ़ी के तट पर इस बंगाल में, शायद इंसान नहीं, शायद पपी हो या हंसों के वेश में, हो सके तो भोर का कागा बनकर कार्तिक के नए धान के देश में, कोहरे पर तैरते हुए लौटूंगा एक दिन कटहल की छांव में। बसंती, गांव लौट जाने की प्लानिंग कर रही हो? अभी तो नहीं, प्राइवेट फार्म में काम करती हूँ, एकदम छुट्टी नहीं देना चाहते हैं। सो इच्छा रहने से भी चारा नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारा मन भी नहीं है। माँ बाप को छोड़कर इतने दूर रहते हुए अच्छा लगता है बोल? और तुम तो मेरे माँ बाप को जानती हो, भूकंप भी आ जाए तभी भी गांव नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस शहर में एक मकान किराए पे लेने से क्या हर्ज है बता? माँ राजी भी हो जाए पर पिताजी नहीं, गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और मैं भी जिद नहीं करती, जो जैसे खुश रहे। दरअसल बात क्या जानती हो, जिस गांव के लिए पिताजी ने इतना त्याग किया वो गांव पिताजी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उल्टे मैं ही अगर सब कुछ छोड़कर गांव चली जाऊं ना, तो मैं जानती हूँ मेरे पिता से खुश शायद कोई ना होगा। तब तो तुम जा ही सकती हो, क्या मुश्किल है? ना मुश्किल नहीं है, असल में इतने दिन से शहर में हूँ तो अचानक गांव जाकर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उस पर यहाँ पे अच्छी नौकरी, अच्छा ऑफर, ये सब छोड़कर क्यों जाऊँ बोल तो? और गांव जाकर मैं क्या करूँ? और क्या करेगी, माँ बाप के पास रहेगी, उसके बाद शादी करके घर संसार बसाना। इतने दिनों से इतना पढ़ लिख कर अगर सब कुछ छोड़कर शादी करूं तो क्या फायदा हुआ बोल तो? इससे यही अच्छा है, फिर भी शहर में मन की खुराक मिल जाती है। यहाँ पे थिएटर है, सिनेमा है, लाइब्रेरी है, गांव जाकर क्या मिलेगा बोल? तुम ही कर सकती हो, माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर इतने दिनों तक। असल बात क्या है जानती हो,
मैंने तो छुटपन से माँ बाप को देखा नहीं, इसलिए माँ बाप की चाहत हमारे मन में बहुत है। कभी कभी तुझ पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों? तेरी बात सुनकर लगता है माँ बाप तुझे सह नहीं पाते, इसलिए तू गुस्सा करके सब छोड़कर इतनी दूर आई है। ना रे अदिति, मेरे माँ बाप मुझे सबसे प्यारे हैं, उनसे बड़ा सच शायद इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मैंने पिताजी को देखा है कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, गांव के लिए क्या नहीं किया, कितने अवसर, कितने प्रलोभन, पर पिताजी को कोई डिगा नहीं पाया, अपनी लगन से काम कर रहे हैं। जानती हो, मैं कभी कभी उनका दर्द महसूस करती हूँ, तब अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मैं अपने पिता के समान कभी नहीं हो पाऊंगी रे, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं करना चाहती थी बसंती। नहीं, दोष तुम्हारा नहीं है, इससे यही ठीक है। कभी कभी तुम मुझे याद दिला देना, मेरा भी गांव है, माँ बाप है, वे शायद मेरी राह देख रहे हैं। प्रभा, जरा पानी देना तो। देती हूँ। ये लो पानी। क्या हुआ जी, मुंह ऐसा सूखा सूखा लग रहा है, तबीयत खराब लग रही है क्या? वो कुछ नहीं। कुछ नहीं, जरा देखो। हे भगवान, ये क्या जी, बुखार से बदन तपा जा रहा है। तुम कहाँ थे अब तक? हाँ, नकुल तो कह रहा था तुम्हारे स्कूल की काफी पहले छुट्टी हो गई थी, दोपहर भर कहाँ भटक रहे थे? जरा स्टेशन की ओर चला गया था खबर लेने, उसके बाद डाकिये से बात करते करते अचानक लगा तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो सोचा चलूं घर चलूं। ओ, अगर तबीयत खराब न होती तो और घूमते रहते ना, गांव, मैदान, स्कूल, और तबीयत खराब होने से प्रभा ना। अच्छा, तुम क्यों नहीं समझते हो, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, पहले की तरह सेहत नहीं है तुम्हारी। आज भी बिटिया की कोई खबर नहीं आई। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, वहाँ ऑफिस में कितना काम है, कितनी व्यस्त होगी, और फिर गांव तक चिट्ठी आते आते भी तो कितना समय लगता है। देखो, वो शायद चिट्ठी लिखकर देती हो, हमें शायद समय से न मिलती हो, और फिर ये भी तो है, अखबार में देखते नहीं 40 साल पहले की चिट्ठी आदमी को अब मिलती है। तुम मुझे यूं ही झूठ मूठ बहरा रही हो प्रभा, मेरा मन जो कह रहा है तुम्हारा मन भी वही नहीं कह रहा है? तुम सच बात कहो तो। सच कह रही हूँ, मुझसे अब और नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता, माँ का मन है ना। ए जी, तुम उससे आने के लिए लिख दो, मुझे मालूम है तुम कहोगे तो वो जरूर आएगी। ना, ये होने वाला नहीं प्रभा, जिस दिन वो अपनी भूल समझकर खुद लौटेगी उसी दिन समझूंगा मेरी शिक्षा सार्थक हुई। इसके अलावा तुम तो जानती हो वो मेरी तरह जिद्दी है, यदि बुलाने से वो मुझे गलत समझ बैठे, यदि वो फिर कभी लौट कर न आए। ऐसी बातें मत करो जी, मत करो ऐसी बातें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सब लेख के तुम अब और चिंता मत करो, चलो अब जरा लेट जाओ तो आराम करो, सो जाओ। मैं जरा वैद्य जी को खबर देती हूँ, शाम को आकर देख ले, ठीक है? Thank you.
मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? क्या नाम है जी? वो नाम तो नहीं बताया, बोला आपके गांव से आया है। ओ ठीक है, भेज दो। वसंती दीदी। अरे चंदन है? कैसा हो तू, कब आया? सब कैसे हैं रे? सब ठीक है दीदी। ओ बैठ। पर अचानक कलकत्ते में कैसे? मेरी चचेरी बहन की शादी है, तुम तो जानती हो, टूनी। उमा, टूनी? हाँ? उसे तो इतना सा देखा था। बाबा, देखते देखते सब कितने बड़े हो गए। बोल तो फिर गांव की खबर सुना। सुधामा चाचा का नाती है ना शंकर, जिले में फर्स्ट आया है, डॉक्टरी पढ़ने कलकत्ता आ रहा है। ऐसा क्या है? ये तो अच्छी खबर है। तो देख, हमारे गांव के लड़के मेहनत करके कितना आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे मेरे घर की क्या खबर है रे? माँ बाबा से मिला था? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, जिसके लिए आया था, मास्टर जी ने चिट्ठी दी है तुम्हें। हाँ देखो। बुखार फिर कब आया? उस दिन आप देख गए थे ना, तब से ही बुखार बीच बीच में आता है फिर चला जाता है। आप थोड़ा आराम कीजिए तो। हाँ, आराम करेंगे। और ये अभी तो गांव में साक्षरता केंद्र चल रहा है, सरकारी आदमियों से छुट्टी ही नहीं मिलती, इस हालत में भी उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, इस उम्र की आदत को अब कैसे बदलू कहिए तो बैठ जी। आप बिल्कुल नहीं बदले। ठीक है, मैं जाकर कुछ नई दवाइयां भेज देता हूँ, और कुछ तकलीफ हो अच्छा तो मुझे तुरंत खबर दीजिएगा। अच्छा तो मैं चलूं? ठीक है। चल चल, मजाक है क्या? पैसा ले लिया लौटाने का समय है। सुनील बाबू, ये ऑफिस है। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसने जो किया है उसका फैसला कीजिए। एक चोर है, इस गवार अनपढ़ के पास खाने को नहीं था, मैंने बड़े साहब को बोलकर उसकी नौकरी लगवा दी यहाँ, और अब मुझसे 500 रुपया उधार लेकर कहता है मैंने उतने नहीं लिए। बोल दीदी के सामने सच क्या है, बोल। क्या हुआ महेश, सुनील बाबू ने जो कहा वो सच है? अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, हम गरीब हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन चोर नहीं। अपनी बीबी की बीमारी में 50 रुपए उधार लिए थे, अब वो कहते हैं 500 रुपए। आप विश्वास कीजिए मैडम, इतने रुपए मैंने उधार नहीं लिए। ये क्या? तो फिर ये क्या है? मैं क्या बेकार में झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए मैडम, इसके अंगूठे की छाप 500 रुपए के सामने, अब उसको बेमतलब 50 रुपया कह रहा है। ये लड़का तो दिन को रात बनाएगा, एक गंवार अनपढ़ मूर्ख। मुंह संभाल के बात कीजिए सुनील बाबू, गांव वालों के बारे में आप कितना जानते हैं? आप जैसे शहरी असभ्य लोगों से गांव के लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सभ्य हैं। ये बात आपकी समझ से परे है। ये लीजिए आपके 500 रुपए। और महेश, तुमने ऐसा क्यों किया? लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं है, साक्षरता केंद्र नहीं है, तुमने देखा लोग कितने ठग हैं, तब कौन दीदी तुम्हें बचाने आएगी? आज 50 के 500 हैं, कल 5000 हो जाएंगे, फिर तुम खुद को कैसे बचाओगे, कभी सोचा है? मतलब आप कहना चाहती हैं मैं धोखेबाज हूँ? सुनील बाबू बात मत बढ़ाइए, पैसे मिल गए हैं, आप जाइए। महेश, मैं भी गांव की ही लड़की हूँ। जानता हूँ मैडम, इसलिए आज आपने मुझे बचाया, आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मैडम? महेश, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब भी चाहो तो पढ़ना सीख सकते हो, कम से कम इतना भी, ताकि खुद को बचा सको। आज का पाठ, आप और हम इस देश में रहते हैं, मैं पहले पढ़ूंगा
आप मेरे साथ दोहराएंगे, ये देश एक महान देश है, ये देश एक महान देश है, इस देश में हम रहते हैं, इस देश में हम रहते हैं, देश के बारे में हम जानेंगे, देश के बारे में हम जानेंगे, देश को जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी है, इस देश के इतिहास में देश की बातें हैं, इस देश के इतिहास में देश की बातें हैं। वाह, क्यों नरेन, आइए आइए, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? अरे बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। बढ़िया, बहुत बढ़िया मास्टर जी, इनमें से तो कईयों ने बहुत तरक्की की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग मन लगा कर लिखना पढ़ना, और एक बात याद रखना कि सिर्फ हस्ताक्षर करना ही साक्षरता की आखिरी सीढ़ी नहीं है। इस ज्ञान को जीवन के हर क्षेत्र में, हर काम में इस्तेमाल करना होगा। खुद भी धोखा मत खाओ और दूसरों को भी धोखा मत दो। सिर्फ अपने इस साक्षरता के ज्ञान को देश के काम में, इंसान के मास्टर जी, मास्टर जी, आपकी क्या तबीयत खराब हो रही है? आप लोग बैठिए, मैं मास्टर जी को जरा घर पहुंचा के आता हूँ। सांस जरा उखड़ रही है। वैद्य जी, क्या बहुत हालत खराब है? बेटी को खबर कीजिए। अभी आएगी, जरा चुप करो, अभी आएगी। लौट आई हूँ बाबा, तुम्हारी बेटी मैं लौट आई हूँ, एक बार आंखें खोल के देखो बाबा। माँ, बाबा कुछ कहते क्यों नहीं? बाबा, बाबा मैं तुम्हारी बेटी, एक बार देखो ना, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बाबा। आंखें खोलो बाबा, एक बार आंखें खोलो। सुनते हो बाबा? बाबा, हाँ जी, देखो देखो कौन आया है। हमारी बेटी वापस आ गई है जी, हमारी बेटी वापस आ गई है, देखो। तू आ गई बेटी, आ गई। हाँ बाबा, मैं लौट आई हूँ बाबा, मैं तुम्हारी बेटी लौट आई हूँ। तुमने सुना, हमारी बेटी कह रही है अब शहर वापस नहीं जाएगी, तुमने सुना? हाँ, मैं जानता था बेटी, जानता था तू इतने दिन ठीक लौट आएगी। मेरा बहुत काम अधूरा पड़ा है रे, वो बोझ तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। काम वालों का साथ देगी, उनको पढ़ाएगी, बोल, नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी जी, वो तो हमारी ही बेटी है। करूंगी बाबा, करूंगी,
आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगी बाबा। बाबा सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी हैरानी में बीत जाए दिन।